सब रोज आते हैं सब इतने सर्विस नहीं हो पा रही। पहले जो परिवार संगठित करने की बात है वो तो सर्विस कर लो, मां संगठन में क्यों दुगने आ जाते हैं, उनकी सर्विस करो, उनको उठा के रेगुलर, उनको रेगुलर बना दो, सर्विस हो जाए। हाँ, परिवार तो है ना, लेकिन परिवार में अभी मुसलमान ही घुसे हुए हैं, 7 दिन में एक बार आते हैं, क्रिश्चियंस भी घुटे हुए हैं घुसे हुए हैं और 7 दिन में एक बार संडे संडे जाते हैं, तो उनको कन्वर्ट करके क्या बना दो, हैं देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बना दो। जो नजदीक है पहले उनको, जो नजदीक है उनको उठाओ, दूर रहते हैं उनके लिए तो बाबा ही बता देंगे, अच्छा सप्ताह में 2 बार आओ। क्या आज की क्लास सुन उनको मालूम पड़ेगा कि आज बाबा सुबह सुबह आ गए तो आपको तो चोट लगेगी, धक्का लगेगा कि गलत हो गया, हमको भी करना चाहिए। अच्छा, और जो रेगुलर क्लास करने वाले हैं उनकी कोई खूबी हुई कि नहीं, तो उनको प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए कभी, उनको रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए, तो ये रिवार्ड मिल रहा है। जो लेट होते हैं उनको भी मिला है, जो लेट होते हैं क्लास में, मतलब आते रेगुलर हैं पर लेट होते हैं, लेट आते हैं, आते तो रेगुलर हैं, पंक्चुअल नहीं है, रेगुलर तो हैं। अच्छा, जैसे लेट हो जाता था आज जल्दी आ गया। हाँ, वाणी में बाबा बोले तुम्हारी हे वीन हो जा रही है, बाबा ने आज वाणी में बोला कि तुम बच्चों की हे वीन हो जा रही है, तो ये किस समय के लिए बाबा? जीत हो जाती है, अभी कहाँ जीत हो रही है, अभी घड़ी घड़ी जीत हो रही है, कहाँ हो रही है जीत, हमारे खुद के विकारों से हार खा रहे हैं। जब हमारे सारे पूर्व जन्म के जो दुष्ट किए हुए कर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो सब छीण हो जाएंगे योग बल से, तो फिर हार होने का कोई सवाल रह नहीं जाएगा, फिर तो जीत ही जीत होगी, कर्मातीत बन जाओ। आत्मा का दीपक ऐसा बन जाए जो माया का कोई भी झोंका लगे और वो हिले नहीं, जो भूले उठी हुई सब पोतामिन देने के बाद भी कभी कभी पुराना जब याद आता है तो उम्र में सारा और जाम हो जाता है, पर मैं इनको छुपा के मत रखो। भगवान बोले थे कि शिव बाबा को हार की दरकार नहीं, मतलब एक तो स्थूल शिव बाप को, शिव बाप की जो आत्मा है, शिव बाबा को हार की दरकार नहीं, मतलब हार मतलब स्थूल हार की तो पहले बात करी बाबा ने, स्थूल हार की कि वो हार की दरकार नहीं, स्थूल हार की दरकार। हाँ, पर शिव बाबा को यूं भी जब से शिव बाबा का पाठ चलता है तो उनके हार की तो दरकार कभी होती नहीं, क्यों बैठ के हार की बात, शिव बाबा हार की तो कभी हार तो होती नहीं, जब से शिव बाबा हार कहते हैं संगठन को, कई फूल इकट्ठे किए जाते हैं तब फिर संगठन का हार बनता है, वो संगठन का हार जब संगठित हो जाएंगे, प्योरिटी इतनी आ जाएगी साकार में, तो हार तैयार हो जाएगा, फिर वो गले हार ठीक है, अभी नहीं कह सकते, अभी फूल ले सकते हैं, फूल अर्पण होते हैं तो उन फूलों को इनकार नहीं कर सकते, कोई शरण में आता है तो उसको ठुकराया जाता है क्या, उसको ठुकरा नहीं सकते। हाँ, ये तो हो गए, पर यो हार मतलब ये दुनिया वालों से हार तो शिव बाबा तो नहीं सकते, वो तो आपने अर्थ लगा लिया ना हार का, जो हार है वो तो ये हार होता है, तो वो हार कोई वो जीत और हार की बात नहीं है। हाँ, और मुरली में विंटो का जन लिखते हैं, अपने को ऊंचा नहीं बोलते हैं, जो ऊंचा है उसको अपने आप ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं, दुनिया ऊंचा बताए लेकिन खुद ऊंचा बताना अपने को ये नीचता की निशानी है, हल्केपन की निशानी है। हाँ,
बिंटू करने का हिंदी क्या होगा, बिंटू करने का हिंदी क्या होगा, वो लिखते हैं ना बिंटू करने, मिंटू करने, मिंटू करने सही उच्चारण क्या होगा। ये अंग्रेजों की कोई भाषा होगी, उसका अर्थ यही है कि अपने को नीचा समझो, ऊंचा मत समझो, दूसरों को लार्ड बन के मत रहो। लार्ड का अर्थ योर ओबीडिएंट सर्वेंट, हाँ, और वो आठ सवाल जो है ब्रह्मा कुमारी बताए, नहीं तो हम बताएंगे। हाँ बताओ। उसमें एक सवाल ये है कि शास्त्र अगर झूठे हैं तो ब्रह्मा भगवान ये कहावत क्यों दोहराई कि ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो क्या उस समय शिव की प्रवेशता ब्रह्मा के अंदर थी? हाँ। नहीं थी तो बोला किसने? नहीं तो ब्रह्मा भगवान ये कहो भक्ति मार्ग का ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्र, भक्ति मार्ग का ब्रह्मा कहाँ थोड़े ही उतरता है, ब्रह्मा तो संगम युग में ही उतरता है। जब शिव आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आते हैं, दूसरे युग में कहाँ आते हैं। उस समय तो जानते होंगे ना कि ब्रह्मा का पाठ कितना है, खुद को ब्रह्मा का। ये बात नहीं है, ब्रह्मा भी उतरा है लेकिन हम तो भी नहीं मानेंगे। हम कब मानेंगे? जब शास्त्रों से टैली हो जाएगा। जो भी गुरु गुसाई हैं, विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनको शास्त्रों पर इतनी श्रद्धा बैठी हुई है कि वो तब ही मानेंगे जब शास्त्रों से टैली हो जाएगा ज्ञान। चलो दूसरे शास्त्रों में मिक्सरिटी है, गीता में तो इतनी मिक्सरिटी नहीं है, तो गीता से टैली करके दिखा दो। यज्ञ के आदि में भी तो गीता के अर्थ बैठ बताते थे, तो आदि में सतो प्रधानता थी या तमो प्रधानता थी? तो आदि सो अंत में, और गीता के अर्थ क्लियर करके निकलेंगे तो सारा ज्ञान क्लियर हो जाए गीता के आधार पर। वो झूठे झूठे अर्थ करके सुना रहे हैं कौन, और जो इंटरप्रेटर हैं, और जो व्याख्याकार हैं, वो परवर्ती हैं। और सबसे पहला पहला कौन है टीचर जो गीता की व्याख्या करता है? शिव बाबा। जो गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख से निकला है उसे गीता ज्ञान कहेंगे, अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। तो उस गीता ज्ञान को मथा किसने, किसने मंथन किया? शिव तो मंथन करते नहीं, उन्हें सोचने मंथन करने की दरकार। हाँ, जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तन उसको मंथन करके गीता को टैली करके समझा सकता है संसार वालों को। ये बताया। और पांडव सेना के अंदर घटोत्कच को बताया है, पांडव सेना ने घटोत्कच को बताया है। वो राक्षस चक्रवर्ती का था, राक्षसी माँ थी उसकी, तो उसने कौरव सेना का बहुत बड़ा प्रहार किया। बच्चा किसका था? भीम का बेटा। तो पांडवों का बच्चा था? हाँ, पांडवों का बच्चा था। पांडवों का बच्चा होते हुए भी राक्षसी संस्कार। तो घटोत्कच में कर्ण का, कर्ण के द्वारा मृत्यु पड़ेगा। हाँ। तो ये देखता इसका क्या क्या है? इसका क्या अर्थ निकल रहा है? ब्रह्मा बाबा कर्ण है और घटोत्कच। हाँ, सारी ताकत ब्रह्मा बाबा की उसमें लग गई, अर्जुन को बचना था। और बाबा ने त्यूरी आपके बारे में जो बताया है कि त्यूरी आपके से तीव्र याद होगी, तीव्र याद होगी नहीं, तीव्र याद होगी तब जो कचड़ा है आत्मा के अंदर वो भस्म होगा। जैसे धीमी आग में सोना डाला जाता है तो कचड़ा भस्म नहीं होता, वो ही तीखी आग होती है। आग जब बहुत तीव्र हो जाती है, हवा उसमें मिक्स हो जाती है, तो आग तीखी हो जाती है हवा के साथ, तो सोना, सोने में से कचरा जो है भस्म हो जाता है। तो उससे सहज याद हो जाएगी, सहज याद हो जाएगी, सहज याद होगी तो फिर निरंतर याद भी हो जाएगा। तो हवा लगाओ ना उसमें। हाँ, बोला कि
देह को याद करना है, मतलब देह को याद करना, बाबा का बाबा ने कहा अहंकार देह को याद करना, तिरसठ जन्म तुम्हारे देह को याद करने की रख पड़ी हुई है। हाँ, तो ऐसी देह को याद करना जो इस तरह, हाँ, अभी विचारी को बनो ना, तो बनो ना अभी विचारी, कौन मना करता है। ऐसी देह को याद करना जिसका कभी विनाश नहीं होता या विनाश होते कोई, ये लक्ष्य नहीं रखना है कि हमें देह को याद करना है। अगर ये लक्ष्य रखेंगे कि देह को याद करना है तो देह तो विनाशी है, देह के अंदर विदेही उसको याद करना है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, नारायण को याद करो तो नारायण तो सतो प्रधान है, सात्विक स्टेज है, अभी कहाँ है नारायण, जो आगे चल के जो नारायण है उसे याद करना, वो तो सात्विक स्टेज है। अभी साकार में निराकार को याद बाबा ने बोला है कि लक्ष्मी तो बाबा के सामने आएंगी नहीं, वाइब्रेशन से ही पूरा से ही खींच के से काम होगा, तो क्या जगदम्बा भी बाबा के सामने नहीं आएंगे? जगदम्बा तो सबसे ज्यादा सामने आती है, है? जगदम्बा का तो सबसे बड़ा मेला लगता है, वो किस बात की यादगार है? अरे जगदम्बा का जो बड़ा मेला लगता है किस बात की यादगार है? कि मिलन मेला प्रैक्टिकल में साकार शरीर से जितना जगदम्बा ने मनाया है तो उतना तो और किसी ने, तो आने वाले समय की बात, हाँ, आने वाला हो या जाने वाला हो, टोटल पीरियड में इतना मिलन मेला और किसी ने मनाया ही नहीं, इसलिए जगदम्बा का मेला सबसे जास्ती लगता है। लक्ष्मी बाबा सामने आएंगे नहीं? लक्ष्मी बाबा सामने नहीं आएंगे, टोटल वाइब्रेशन से काम करेंगे, हमेशा सामने ही रहती हो तो अरे मैंने तुम स्थूल को महत्व देते हो इसलिए ऐसे बोल रहे नहीं, 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 क्या बोल तो जा रहे चित्र में बताया, चित्र में क्या बताया, हाँ तो अच्छी बात है ना, संगम युग में हमने पढ़ाई क्या पढ़ी है, पढ़ाई देह को देखने की पढ़ी है या आत्मा को देखने की पढ़ी है, तो आत्मा को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत है नहीं, इसलिए वो सामने देख रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ नजर नहीं जा रही है, सत्युग में एक दूसरे की तरफ नजर जाएगी तो नीचे गिरने लग पड़ेंगे। ये शरीर जो है ना, ये शरीर का जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना नीचे गिरते हैं, ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, पांच तत्व विनाशी हैं, इनसे हम जितना भी सुख खींचेंगे उतना हमारी आत्मा विनाश की तरफ जाएगी, इसलिए शंकर जी को हमेशा क्या करते हैं, हमेशा निराकारी स्टेज में बैठते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि देह का आकर्षण प्रकृति का आकर्षण से परे हो जाए, प्रकृति जीत बन जाए, प्रकृति के आकर्षण में रहेंगे तो प्रकृति चढ़ बैठेगी, प्रकृति का अधीन हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास भगत नारद जैसे, हाँ, फर्स्ट क्लास भक्ति, फर्स्ट क्लास भक्ति, मीरा जैसे नाम मीरा, मीरा तो कलयुग में हुई है, तो मीरा है वो कंटिन्यू हो जाता है, छोटी मम्मी का पार्ट है या बड़ी मम्मी का पार्ट है, मीरा माने शाहजादी बच्चे विश्व की मालिकिन कौन बनेगी, लक्ष्मी बनेगी, लक्ष्मी के ऊपर कोई नहीं होगा, लक्ष्मी के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, राजमाता किसकी यादगार है, जिसमें ज्ञान ज्यादा होगा वो कंट्रोल करेगा कि जिसमें ज्ञान कम होगा वो कंट्रोल करेगा, तो जगदम्बा में ज्यादा ज्ञान है या लक्ष्मी में ज्यादा ज्ञान है, जगदम्बा में ज्यादा है, प्योरिटी लक्ष्मी में ज्यादा है, और मीरा का पार्ट मैंने बाबा हमेशा बोलते हैं कि तुम बच्चों की बाप के साथ लव में रहते, हैं तुम बच्चों की बाप के साथ लव में रहते,
लव मैरिज और दुनिया के अंदर लव मैरिज तो ज्यादा टिकती नहीं है। अरेंज मैरिज टिकती, लव मैरिज दुनिया की नहीं। दुनिया के साथ जो लव मैरिज है वो दुनिया के जो आत्माएं हैं वो विनाशी देह के साथ हैं कि अविनाशी देह के साथ हैं? और शिव बाबा जो है विनाशी देह के साथ है या अविनाशी देह के साथ है? तो अंतर नहीं पड़ेगा। बाबा ने बोला है कि तुम असली याद में बैठोगे तो दर्द वर्द सब भूल जाओगे। हाँ, तो असली याद, असली याद वही देह से डिटैच हो जाना। दर्द देह को होता है न कि आत्मा को दर्द होता है? अगर आत्मा डिटैच हो जाए देह से तो दर्द तो शरीर के अंदर रह जाएगा। बाबा होता नहीं है ना, डिटैच कैसे करें? तो प्रैक्टिस करने से होगा नहीं? तीखी याद कैसे होगी? तीखी याद ऐसे ही होगी जैसे महबूब कारखाने में जाता है, आंखें खुली रहती हैं और वो दुनिया को देखता होगा तो जाता तो है लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता उसे। याद रहता है क्या? उसे पूछा है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा तो कहेगा हमें तो महबूबा याद थी, हमें नहीं किसी की याद। तो जब वो भूल सकते हैं इंद्रियों के द्वारा जिनको देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था। तो ऐसी प्रैक्टिस हम कर दें, ऐसी प्रैक्टिस बना है याद की। माउंट आबू में मुरली में आया था कि अपने आप को एक कोठरी में बंद कर लो, बाप को याद करो, तो क्या ये सही है? अभी जैसे जैसे डिटेच होना है तो अपने आप को एक कमरे में बंद करके, स्थूल कोठरी में बंद करने की दरकार है कि मन से एकांत होने की दरकार है? मन से एकांत। एकांत का भी तो अर्थ बताया है, एकांत का मतलब एक के अंत में रहो। ये शरीर क्या है? ये शरीर भी तो कोठरी कमरा है। तो प्रजापिता का शरीर क्या हो गया? बंद कर दो, मत निकलो बाहर उससे। रहो ना, ज्यादा याद में खो जाते हैं तो कर्म को ही भूल जाते हैं। योग है कर्म सुकौशलम, जो सच्चा योग है कर्मों में कुशलता लाता है। कर्म जो है अच्छे बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। दूध फैल गया तो कर्म क्या हुआ? कि हम बाबा की याद में दूध गर्म कर रहे थे, वो क्या तुम्हारा बाबा की याद कैसी है? तो दूध लुढ़क गया। महबूब जा रहा था और इतना महबूब की याद में इतना खोया हुआ है कि उसको चलते हुए भी कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ा। तो दिखाई नहीं पड़ी तो कर्म तो कुछ हुआ नहीं? कर्म तो करी। आने जाने का कर्म कर रहा है, आँखों को खुली रखने का कर्म कर रहा है या बंद रखने का कर्म कर रहा है? तो फिर ऐसे कैसे कह दिया कर्म नहीं कर रहा है? लेकिन कर्म का जो फल है वो नहीं मिला। तो कर्म अकर्म हो गया। न पाप कर्म बने न पुण्य कर्म बने। कोई भी काम ऐसी स्थिति में रहकर संपन्न किया जा सकता है पूरा है? थोड़े समय के लिए मन निकाल हो जाता है, पावरफुल याद भी। लेकिन काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं लंबे समय तक तो टाइम तो लगता है ना, ज्यादा कोई भी काम संपन्न कर दे। करो ना प्रैक्टिस, टाइम लगता है तो प्रैक्टिस करने से ही होगा। पहले शनि के मंदिर में एक ही शनि देवता जो वो काले मतलब रहते थे, और अभी भी हाल में जितने भी देवता है सबको इकट्ठे करके एक ही मंदिर में सबको काले कर दिए गए। हाँ, कलयुग है ना, सब काले हैं। कलयुग में सभी काले हैं, सभी काले, इसे सबको काला कर दिया गया। सतयुग में सब तो काले नहीं, जो आखिरी नारायण है उसमें थोड़ी कमी आती है। लक्ष्मी जी को कभी तो कमल पे कमल आसन पे दिखाते हैं, वो तब लक्ष्मी जी को, और कभी उन्नी पे सवारी करते हैं। लक्ष्मी जब पुरुषार्थी जीवन में है तो उल्लुओं पर ही सवारी करती है। उल्लू का अर्थ बाबा जो बाबा उल्लू का अर्थ है यह है जिनकी बुद्धि नीचे की दुनिया में लगी रहती है, धंधे धोरी की दुनिया में, उनके ऊपर सवारी करती है।
वो उसके ऊपर फिदा होकर के ढेर सारा धन लुटाते हैं। है संगम की बात है, है? कमल संपन्न हो गई तो कमल फूल। बाबा जो ज्ञान और भक्ति दोनों उठा रहे हैं, डीके वाले और एडवांस वाले, उनको क्या कहेंगे? जो ज्ञान और भक्ति दोनों लेके चल रहे हैं, डीके वाले भी और एडवांस वाले भी, तो उनका रिजल्ट क्या होगा? क्या शरीर छोड़ना पड़ेगा? तो भक्ति छूटेगी ना? क्या छोड़ना चाहेंगे तो छूटेगी, ज्ञान बुद्धि में धारण करेंगे तो छूटेगी। दो नावों में जिसको पाँव रखने की आदत पड़ गई है, कम से कम एक पाँव में तो ज्यादा दबाव दे दे, दोनों पाँव में बराबर दबाव देंगे, दोनों पाँव नाव में रखेंगे तो टांगे चिरी ही जाएंगी। थोड़ा बहुत घर वालों को खुद करने के लिए, दिखावे के लिए करो ना, शिव बाबा को अंदर से याद करो, उनके लिए दिखाने के लिए पूजा करते जा रहे, बुद्धि ऊपर लगाए रहो। बाबा जिसे वो कारखाने में जाता है तो वो तो देह को याद करता है, वो हमको प्रेमी, लेकिन हमको तो साकार में निराकार को याद करना है ना, करो ना। तो वो तो देह को, मुर्दे को तो नहीं याद करना है तुमको, मुर्दे को तो नहीं याद करना है, मुर्दे को याद करना है या साकार में निराकार को याद करना है? अगर उसमें शिव न है तो पत्थर बुद्धि है, पत्थर ठिक्कर का है या पारस है? अगर उसमें शिव निकाल दो तो पत्थर ठिक्कर आखिरी जन्म में है, शिव है तो पारस है, शिव है तो पारस। लगातार जब आत्मा को देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो कहते हैं कि हम अंधेरे में भी चीजों को, वस्तुओं में देख सकते हैं। हाँ, अंधेरे में तो छोड़ो, यहाँ बैठे बैठे लंदन में देख सकते हैं। मैंने अपनी आत्मा, वो अंधेरा तो एक कमरे के अंदर ही अंदर है, दूर देख सकते हैं, अंधेरे में भी, दूर की दुनिया में अंधेरा लगा पड़ा है, रात है तो भी देख सकते हैं। तो आत्मा के अंदर तो सूक्ष्म रोशनी होती ना, मतलब ज्ञान की रोशनी, और स्थूल रोशनी देखते हैं हम तो, जैसे स्थूल प्रकाश है तो स्थूल चीजें देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर तो ज्ञान की रोशनी होती, सूक्ष्म रोशनी तो सूक्ष्म शरीरधारियों को आंखें होती है, वो कैसे देख लेते हैं? है? वो अपने घोड़े में कैसे प्रवेश कर जाते हैं? जिस घोड़े में प्रवेश करना उसी में प्रवेश करेंगे तो उन्हें वो चेहरा कैसे दिखाई पड़ जाता है? वो आत्मज्ञानी होते हैं क्या? आत्मा को पहचान लेते हैं क्या? शरीर को देखते हैं ना, तो कौन सी आंख देखती है? उनकी स्थूल आंखें तो है नहीं, निकलती नहीं है सूक्ष्म में, देखने में नहीं आती है, इन आंखों से देखने की बात नहीं है। हाँ जी, और बाबा पहले थोड़ा सा खाते थे और 15-15 दिन तक युद्ध लड़ने के लिए आते थे और घोड़े पे सो लेते थे, तो वो गोष्ठी हमारी कब बनी? क्या बोला? थोड़ा खाते थे पहले इन्हीं को लड़ने के लिए जाते थे, वो लोग युद्ध भी लड़ते थे और घोड़े पे ही सो जाते थे और वहीं पर ही खा लेते थे, थोड़ा सा ही खाते थे। तो सारा उसमें दिखाया कि एक सीरियल चला है वो टीवी में, रणजीत सिंह, तो उसमें बताया गए हैं चार दस धर्म के जो दस गुरु हुए ना जो सिख धर्म में, तो उसमें दिखाया गया कि जो मुसलमानों से लड़ाई लड़ते थे तो मुसलमान राजा बोलते थे कि वो कहाँ छुपे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, सब लूट ले जाते हैं हमारा, तो घोड़े तो वहाँ पे बताते थे कि वो इतने पावरफुल हैं वो राजा कि घोड़े पे ही सो लेते हैं, जहाँ जहाँ वही खा पी लेते हैं, इतना सा खा लेते हैं, 15-15 दिन तक छुपे रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब रुद्रमाला के प्रैक्टिस की बात है, हर बात में प्रैक्टिस चाहिए,
वाले जो दिखाए हैं तो रुद्रमाला की मूर्ति नहीं है, जैसे बाबा राजे स्थापन करने जाते हैं उस समय की बात। आत्मा में जो भी शक्ति आती है वो कहाँ से आती है, कौन सी युग से आती है? संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग में शक्ति भरी जाती है। और शक्ति कुछ डायरेक्ट भरते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भरते हैं। तो जो डायरेक्ट शक्ति भरने वाले हैं उनमें ज्यादा ताकत आएगी, या जो इनडायरेक्ट भरने वाले हैं उनमें ज्यादा ताकत आएगी? डायरेक्ट वाले, जो डायरेक्ट वाले रुद्रमाला के मण के हैं। तो एक नशा सा जैसे आने लगता है, आलस नहीं लेकिन आंखों में जैसे भाई का वो नशा भी हमेशा नहीं आता है। पूर्वजन में अच्छे कर्म किए हैं, वो अच्छे कर्मों की रील जब उदय होती है तो नशा आता है, और जब बुरे कर्म किए हैं तो कितना भी तुम अच्छा पुरुषार्थ करो, कितना भी याद करने की कोशिश करो, वो नशा आएगा ही नहीं। सारा सब कुछ अपने पूर्व जन्मों की किए हुए कर्मों के आधार पर आधारित है, अभी भी जो हम कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर आधारित है। है? और दुनिया में ध्यान के आधार पर, ध्यान के द्वारा धन को अर्जित करते हैं। दुनिया में जितना है उनसे जिसके पास ध्यान है उससे वो धन अर्जित करते हैं। ध्यान मैंने एकाग्रता नॉलेज भी कहते हैं, और जैसे बड़े बड़े पैकेज जो लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जो आते हैं वो उनके ध्यान या उनके नॉलेज के आधार पर उनको बड़ा पैकेज मिलता है। धन तो ध्यान के आधार पर वो धन को धन अर्जित करते हैं, धन के द्वारा धन अर्जित करते हैं। हाँ, ध्यान के द्वारा धन को अर्जित करते हैं। यहाँ भी हम जितना ज्ञान जो है दूसरों को बांटेंगे उतना हमारा मंथन ज्यादा चलेगा। मंथन ज्यादा चलेगा तो हमारा धन बढ़ेगा। बाबा एक पूना के अंदर काले थे, पूना के अंदर बालाजी काले थे MBA पूना में MBA का मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कॉलेज है बालाजी कॉलेज। वहाँ पे बच्चों का जब इस साल एडमिशन हुआ तो उनको सबसे पहले 3 दिन महाभारत दिखाई बाबा ने दिखाया। हाँ, 3 दिन सलग उनको कोई काम नहीं कराया, पूरे दिन रात दिन पूरे दिन दिन 3 दिन सलग महाभारत दिखाई। उसका क्या अर्थ है, वो क्या समझते हैं उस बात को? सतत युद्ध करो जिंदगी में, मैनेजमेंट के अंतर्गत महाभारत तो अच्छी बात है ना। मैनेजमेंट में अच्छा मैनेजर कौन होगा जो लगातार युद्ध करने में तीखा हो? लेकिन बिना ज्ञान के महाभारत देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे। उसमें महाभारत ज्ञान होता कहाँ है? भक्ति मार्ग में महाभारत देखने में आता है। महाभारत देखते हैं, महाभारत जानते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत सुनाते हैं। ज्ञान है क्या वहाँ? ज्ञान तो नहीं है, लेकिन इतना तो आता है कि सच्चाई के लिए युद्ध करना चाहिए। इतना तो बुद्धि में बैठता है। मैनेजमेंट भी इसी बात है, यही बात है। मैनेजमेंट जो है उसमें वही मैनेजर अच्छा होगा। लो, स्कूल में तो फाइनल पेपर की डेट पहले से ही बताते हैं, ये बेहद के स्कूल में डेट क्यों नहीं बताते? है? बता दी सबकी डेट एक है या सबकी डेट अलग अलग है? तो तुम्हारी वही डेट है जो तुम्हारी संपन्नता की है, अपनी संपन्नता की डेट फिक्स कर दो, वही डेट फिक्स हो जाएगी। नारायण वाली आत्मा पहले संपन्न बनेगी या और आत्माएं पहले संपन्न बनेगी? तो उसका फाइनल पेपर पहले होगा या बाद में होगा या बीच में होगा? पहले होगा। सबका फाइनल पेपर भी अलग अलग टाइम से है, उनकी डेट भी अलग टाइम से है। जैसे बाबा लौकिक में इंश्योरेंस करवा रखे हैं
तो उनको बंद कर देना चाहिए क्योंकि फालतू में पैसा जाता है बाबा, तो उनको बंद कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। हमारा जब रखवाला श्री बाप है, अगर कुछ, है तो। कुछ पैसा वापस मिलता है तो कर लो, ये दिया है वो भी वापस मिल जाए तो अच्छा है। नहीं तो जैसे 10 साल पहले भुज में, अहमदाबाद में, गुजरात में आया था भूकंप, तो सारी कंपनियां भाग गई, एक भी पैसा किसी को नहीं मिला। तो ऐसे ही अगर आप शुरू हो गया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्या फायदा होगा? 20-20 साल का इंश्योरेंस करके रखा हुआ है पैसा, इससे जो कुछ मिलता है सो ले लो। तो थोड़े टाइम के लिए करवा सकते हैं क्या? नहीं। छह महीने के लिए, साल भर और साल भर के अंदर भूकंप आ गया तो फायदा कुछ नहीं। मैंने एक व्यक्ति कहा है से जो कनेक्टिव जो भी मुनियों ने इशारे दिए बाबा ने जो बातें बताई है, तो जो पोस्ट कराते मैंने संदेश देते हैं जी के बारे में, तो जब समझाना है बाबा, तो एक तो प्रजापिता वाली आत्मा जो योगी की आदि में थी उसके ऊपर से बहुत सारे दिए हुए पानी। अरे बात अभी की हो रही है, पास्ट की थोड़ा ही बात हो रही है, डायरेक्टली अभी के रथ के बारे में जो बताने। आदि का रथ तो गया, उड़ गया, प्रेजेंट रथ के बारे में बताना। ये भी तो बताना पड़ेगा कि वो बच्चे आदि में भी थे। हाँ ठीक है, थे तो उसका प्रूफ क्या है कि यही थे, इसलिए उनको वो भी बताना पड़ेगा। फिर ये वो बताओगे तो उसका प्रूफ क्या है कि यही थे? जैसे प्रूफ देती है कि जब ज्ञान में से जो बच्चे चले जाते हैं तो दूसरा जन्म लेते हैं, वो प्रूफ बताओ। कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे तो ये प्रूफ हो गया कि मुरली में ये बात बोली है। कोई 20 साल के हो गए होंगे, कोई 25 साल के हो गए होंगे, ये 66-67 की मुरली है क्या? 67 में कोई 25 साल के हो गए, कोई 20 साल के हो गए, तो जो 20 साल के हो गए वो लक्ष्मी का पार्ट है, जो 25 साल के हो गए वो नारायण का पार्ट है। तो सन आ जाता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जब सन क्लियर हो जाता है तो उनकी उम्र देख के बता दो कि इनकी यही उम्र है, ये तुम समझा सकते हैं। ऐसे ही और ढेर सारे पॉइंट निकालो, बहुत सी ज्योतिषियों ने ढेर सारी बढ़िया बड़े बड़े ज्योतिषी हैं और विश्व प्रसिद्ध है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वाणी की है, उन वाणियों में से जो बिल्कुल टैली करती हो वो लगा दो, उनके आधार पे क्लियर हो जाएगा। सोमनाथ के साथ सोमनाथ में भी, तो सोमनाथ मंदिर बेहद में साबित करो, बेहद में सोमनाथ का मंदिर कौन सा है ब्राह्मणों की दुनिया में? अरे सोमनाथ का मंदिर कौन सा है अबेहद की दुनिया में जो राजा विक्रमादित्य ने अपना धन संपत्ति लगा के बनाया था? अहमदाबाद, वो अहमदाबाद का पालेरी सेंटर है, उसमें उस समय कौन निकले, वहां से निकले हुए होने चाहिए, सोमनाथ भी होना चाहिए और सोमनाथनी भी होना चाहिए। क्योंकि माता गुरु है इसलिए माता जरूर पहले होगी और वो नारायण बनने वाली आत्मा बाद में होगी। वैसे भी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं राधा बड़ी थी 3-4 साल और कृष्ण 3-4 साल छोटा था, तो वो आत्मा जिसमें मुकर्रर रथ में पार्ट चलता है वो आत्मा बाद में आई सोमनाथ मंदिर में और राधा वाली आत्मा पहले आ गई, तो ऐसे साबित हो जाता है ज्ञान में आने के आधार पर। ऐसे ऐसे ढेर सारे पॉइंट इकट्ठे करके 10-12 पॉइंट बता दो, फरक्काबाद वाली बात उठाओ, फरक्काबाद वाली बात, मालिक को मानते हैं, मालिक तो घर का मालिक तो बाप ही होगा, अगर बताएंगे तो सही रहेगा। हाँ हमारा आधार ही क्या है, हमारा तो आधार ही मुरली है।
एक बात अपनी तरफ से कहते हैं कि ये जो बातें आप बता रहे हैं पॉइंट से लेके हम सुना रहे हैं ये आपके बनाए हुए हैं। हमारे बनाए हुए मुरली में नहीं आए हैं तो वो अपनी ये तो तुम्हारी की बात बोले तो बोले तुम्हारी लिखी हुई है। ठीक है हमारी लिखी हुई है तो चलो सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ। डरते काहे के लिए, हम तो नहीं डरते हैं। डेट देते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई मुरली है, ये तुमने अपनी छपाई है, छपाई ऐसे कहने से थोड़ा ही चलता है। उनसे निकल आते हैं उनके पास कहते हैं हमारे यहाँ ही नहीं हो जो मुरली आप पढ़े खत्म हो गई। तो कोर्ट में जैसे अगर करते हैं अपन उसके लिए क्या वो फिर मुरलियाँ ओरिजिनल मुरलियाँ निकल के आएगी उनकी तरफ? हमारे पास है उनका पुराना माल ना, उनके पास नहीं है हमारे पास तो है। हाँ तो मेहनत कर रहा हूँ ना, दिखा नहीं पाएंगे तो धंधे धोरी में लगे हुए हैं, धंधे धोरी कर रहे हैं। लड्डू पेड़ा खाने के लिए तो ज्यादा चाव है, खिचड़ी खाने के लिए तुम्हें चाव कहाँ है? तो प्रूफ निकालने के लिए मेहनत चाहिए ना, पुरानी मुर्गियाँ इकट्ठी करो, बाबा की पुराने जो बोले हुए टैप हैं वो इकट्ठे करो, उन टैप को पढ़ करके फिर उनको वो मुरलियां सेट करो, पॉइंट सेट करो, तभी तो बात होगी पक्की। कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। लेकिन बाबा जब हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा तब ये लोग कुछ करेंगे तो नहीं, मतलब कि जो केस चल रहा है दोनों केस चलेगा तो ये अपने गुंडागर्दी करेंगे और क्या करेंगे, बाहुबल दिखाएंगे। बता सकते हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? ऐसा कर रहे हैं तो तुम जब पकड़ पाओगे तभी ना, है उन्होंने बाबा के साथ 98 में कर दिया, तुमने कुछ पकड़ पाया? वो तो पीछे रहते हैं, करवाते हैं दूसरों से, तो तुम्हारी पकड़ में कहाँ आए? अब तुम्हारी पकड़ में तब आए जब सारे केस क्लियर हो जाए, सारे केस क्लियर होने के बाद वह उनके ऊपर मुकदमा ठोंका जाए, तब जिनके ऊपर मुकदमा ठोंका जाएगा वो बताएंगे कि हमको इन्होंने बरगलाया था, इन्होंने पैसे दिए थे, वो ऑफिसर भी फंसेंगे, झूठे केस करने वाले भी फंसेंगे, पुलिस के जिन्होंने गलत झूठी झूठी रिपोर्टें लिखी वो भी फंसेंगे, तब बात क्लियर होगी। अभी जी इतनी मेहनत है, लंबी चौड़ी मेहनत है ना। अपने जो मुरलियों के फ्रैक फंसे हुए खंडे खंडे एक खंड दो मोटी मोटी मुरलियाँ बाबा, तो बाबा ने जो मुरलियाँ पढ़ी हैं अंडरलाइन भी होंगे वो वही मुरलियों के फ्रैक हुए, तो उसमें से हम बहुत सारी मुरलियाँ दी हुई उसमें से भी दे सकते हैं अंतर का देखा था वो अगर मुरली लेके आएंगे तो हम बता सकते हैं कि आप लोगों ने चेंज किया, उन मुरलियों को दिखा सकते हैं, तुम्हारी किताबें छपी हुई हैं। जो मुरली का पेज है वो ज्यों का त्यों किताब में छाप दिया गया है, जो लाइन ऊपर है वो किताब में ऊपर है, जो लाइन नीचे है वो किताब में नीचे है, उसमें प्रिंट जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है पुरानी मुरली में, और जो किताब में छापा गया है वो फोटो प्रिंट लेकर के उससे छोटा करके छापा गया है। हाँ लेकिन स्पष्ट है पढ़ने में। हाँ जी तो वो अभी उसको कहते हैं ये तुम्हारा छपाया हुआ है, हम साबित करते हैं हमारा छपाया हुआ नहीं है, हमने फोटो प्रिंट लिया है उसमें से पुरानी मुरलियों में से, वो अभी उनके न मानने से क्या होगा, उनके न मानने से थोड़ी दुनिया चलती है, क्योंकि लास्ट में बात यही अटकती है, वो यही बस बोलते हो जब हम बाकी सारे प्रूफ आप कितने दे रहे उनको, लास्ट में वो ये कहते हैं कि ये सब तुम्हारा है और उन्होंने काट छाट कर दी है। उनको एक ही जवाब देना, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, कुमारका दादी के धर्म का होगा तो वो कुमारका दादी की ही बात मानेगा, भगवान और ब्रह्मा भी उतर आए वो उनकी बात को भी नकार देगा, क्योंकि वो कुमारका को से फॉलो करना है, जो क्राइस्ट के फॉलोअर होंगे वो कभी भी तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनेंगे। उनके डर से तो नहीं बैठना है बाबा अपने को, उनके डर से शांति से तो बैठना नहीं अपने को,
जैसे आज डर डर के वो अभी बोर्ड बना के रखे हुए हैं, उनको लगा ही रहे हैं। और डर डर के बाबा भी तो अंदर कमरे में बैठे नहीं, नहीं, वो तो फिर ठीक है बाबा, लेकिन वो ठिका ठीक है ये डरना ठीक बात है क्या? ठीक नहीं है, लेकिन हमको बोर्ड लगाएंगे बाहर तो उनके कानों में बात जाएगी, जब लड़ने की शाम बात आएगी तो लड़ेंगे। बोर्ड लगाने की मना किसने किया? नहीं, नहीं लगा रहे ना भाई लोग। कौन नहीं लगा रहे? हमारे इंदौर में ही नहीं लगा। भाई का कहना है कि आप बोर्ड लगा दो, तैयारी वैयारी है तो बस बाबा की याद में जो तैयारी तो बोर्ड नहीं लगाया। गीता पाठशाला जहाँ खुली हुई है बोर्ड नहीं लगाया? प्रश्न की बात है, नहीं तो हम बताएंगे वो वाले बोर्ड बना के रखे लगे बोर्ड लगाओ, जवाब आने चाहिए ना पहले इनको। तैयारी नहीं है ना बाबा? तैयारी बाबा ने ज्ञान दिया है हमको, तो उस ज्ञान के ऊपर से पॉइंट निकाल के तो हमको जवाब देना है। जो जवाब निकालो ना, पॉइंट निकाल देंगे ना बाबा, निकल जाएंगे। निकल के ना, ये नहीं नहीं ऐसे बाबा ने अपने आप अभी ऐसा नहीं है ना। अरे आठ तो क्या, हजार पॉइंट निकलेंगे, आगे से निकलेंगे, आगे से नहीं। कोई बैठ जाए रिसर्च करने के लिए तो हजार पॉइंट भी निकल करके इकट्ठे, पूरी किताब सबके तैयार हो जाएगी। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है उसका जवाब, पर उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगी ना। ऐसे तो बिना तैयारी बोर्ड लगा नहीं बाबा, कमरे में बैठे बैठे रहेंगे और हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो वो कमरे में बैठे बैठे तो बैठे कमरे में बैठे बैठे भी तैयारी की जा सकती है। 15 दिन हो गए बोर्ड लगा के, तैयारी नहीं कर, तैयारी नहीं कर रहे। बोर्ड लगा के बैठ जाओ, फिर ऊपर से डंडा बजे आके जवाब दो, तुम जवाब नहीं दे पाओगे तब क्या करोगे? इसीलिए 8 पॉइंट 10-15 पॉइंट तो रख ले, कम समझ ले उनको, उसकी तैयारी तो कर ले पहले, वही कर। अगर तैयारी तो चल रही है लेकिन क्या भूमि तैयारी चल रही है, ये कह सकते हैं भूमि तैयारी चल रही है, हाथ नहीं रुका रही है। तभी वो काम भी रहता है दिन में तो उतना टाइम मिलता है, सब अपना फिर वो कलेक्शन लगे हुए पॉइंट ऐसे मिले है। अभी गीता का साकार भगवान कौन की पुस्तक जो मिली है हमको, उसमें करीब 6 पॉइंट के तो पूरे आंसर सही बिल्कुल क्लियर है, तो उसको भी लेकर के हम दुनिया को संदेश, क्या ब्रह्मा कुमारी को क्या दुनिया को संदेश हम दे सकते हैं? दे सकते हाँ, उसमें सारे मैंने क्लियर कर लिया बाबा, तो उसमें तैयारी की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सामने कोई भी अगर ऐसा महारथी भी बंद कर आएगा तो नहीं है, पूरे बहुत से पॉइंट गीता भरी हुई, इसमें पूरी गीता भरी हुई है द्वारा भगवान ने, कृष्ण द्वारा शर्मा भगवान ने कार्य की है, पूरी गीता भरी दूसरा स्वरूप है। तो इसलिए मेरा सोचना ऐसा है बाबा कि उनको लगा दें तो हमसे कोई टक्कर लेने तो आए तो हम उनको जवाब देंगे। बाहुबल का क्या जवाब? नहीं नहीं बाहुबल का तो नहीं, बाहुबल करने वाला आएगा ही नहीं। बाहुबल का जवाब देंगे, बाहुबल करेंगे तो हमको तो प्रेम से जवाब देना, प्रेम से जवाब देना है ना बाबा, मुट्ठी भरे हम युक्ति भी काम करें, युक्ति से काम करें, युक्ति से काम करें। बाबा बच्चों को भी पोता मिल देना है, छोटे बच्चों को भी पोता मिल देना है, तो करते हो दे दो पोता भी, बच्चों को क्रोध नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना बाबा, दे दो पोता भी। भक्ति मार्ग में जैसे बताते हैं कि गाय को खेत के कूटे से बांध दो, है गाय को खेत के कूटे से बांध दो, खेत के कूटे से, हाँ तो खेत का कूटा जो कहते हैं वो सारी ढेर सारी लकड़ियाँ खेत ही कूटो, खेत 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 के कूटे से बांध दो, तो खेत की लकड़ी लकड़ियाँ क्यों बोलते हैं? आम की लकड़ी बोल रहे, आम की नीम की दूसरी होते लकड़ी उसके बारे में, उसके मानने का क्यों बोलते हैं? एयर की लकड़ी मजबूत होगी ना,
है माने कत्था, लकड़ी से कत्था बनता है ना, वो लकड़ी है। काले की भी मजबूत रहती है, कालिया शीशम ये भी, मगर खेर के बारे में क्यों बता रहे हैं? शीशम मजबूत है, जिससे कत्था बनता है ना, उससे छाले ठीक हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं, घाव ठीक होते हैं, घाव दूसरे पान खाते हैं ना, तो चूना ही लगा दो, कत्था में लगाओ तो घाव घाव हो जाएगा पूरे, कत्था लगा देते हैं तो चूने से जितना भी होगा डैमेज वो सब ठीक हो जाएगा। लकड़ी में भी यही बोल होता है, चलो देखते हैं आदि सुन, घाव नहीं होने देगा क्या, मेरे घाव नहीं बनते, ऐसे कहते ना कृष्ण को पूछ का ही दिखाई गई है, मोर की पूछ जो है वो कड़क होती है या मुलायम होती है, मुलायम होती है, और गेंडे की पूछ कड़क होती है, कड़क होगी तो कृष्ण को मयूर पंख जो दिखाया जाता है वो प्योरिटी की निशानी है, योगी की निशानी मैंने वो जो वो देवहन का अंग है मार मारने वाला, वो मार नहीं मारता ज्यादा, ऐसे खैर को भी दिखाया ऊँटा ऐसा हो जो घाव ना होने दे, घाव को भरने वाला हो या घाव भरने वाला हो, घाव को भरने वाला हो, लेकिन जब ताव में आते हैं उत्तेजना में आते हैं तो कामी को याद रहता है कि हम घाव कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और वो शीशम की लकड़ी का मुसल बनाते हैं, है शीशम की लकड़ी पे, शीशम क्या और लकड़ियां भी है, शीशम की लकड़ी मैदान में ज्यादा अवेलेबल होती है, ठीक है ठीक भी मजबूत है, ये इसका बबूल की लकड़ी है ये भी मजबूत है, शीशम जो है वो ज्यादा पावरफुल ज्यादा घिसने वाली कम है, जैसे कहते हैं ब्रह्मा बाबा गुणग्राही थे, वो दूसरों के गुणों को ही देखते थे, अवगुण नहीं देखते थे, तो हम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है तो क्या दूसरों के गुण ही देखना है, अवगुण नहीं देखना है? सही बात यह है कि हम दूसरों के अवगुण देखेंगे तो हम जो देखेंगे आदि बनेंगे, 24 घंटा वही देखने के आदि बनेंगे तो वो बात हमारे अंदर भी आएगी कि नहीं आएगी, दूसरा जो करता है वो करता है वो पाएगा, हम जो करेंगे वो हम पाएंगे, आंख बंद करेंगे तो अलबेला बंद ही रहेगा, दूसरे के अगर मान लो कोई बुराई है हमारे अंदर बुराई नहीं है, है ना, तो पहले अपन ही देखे ना, तो ये भी कमजोरी होगी ना, क्या नजरअंदाज कर देना भी, जैसे ब्रह्मा ने किया हरा हरा सूजा अपने लिए नजरअंदाज नहीं करते, अपनी कमियों को देखने के लिए, तो पहले अपन ही देखना है कि दूसरों को देखना है, पहले तो अपनी देखे साथ में ज्ञान तो रखना है ना, ये कि क्या क्या है क्या बुरा है, क्या ज्ञान रखना, कौन अच्छा है कौन खराब है, पहले हमें क्या करना है, ज्ञान कौन सा रखना है, पहले आत्मा का ज्ञान रखना है कि प्रकृति का ज्ञान रखना है, पहले आत्मा, तो फिर स्वचिंतन भूल करके प्रचिंतन में गिरना, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी प्रचिंतन पतन की जड़, सिर्फ गीत गाना सीखा है, बाबा जी हम लोग अपने पुराने हिसाब किताब चुप चुप कर रहे हैं या नए हिसाब किताब की शूटिंग कर रहे हैं, दोनों बातें कैसे मालूम पड़ेगा, पुराने हिसाब किताब जो चुप चुप होते हैं उसमें हमको खुशी होती है, हल्कापन भी आता है, नए हिसाब किताब बन जाते हैं, सुन्नत के खिलाफ हम कदम उठाते हैं तो सगुना बोझ चढ़ जाता है, आत्मा भारी हो जाती है, खुशी उड़ जाती
खुशी बढ़ना माना हल्के हो रहे हैं, खुशी उड़ जाना माना बारी हो पाप का और बढ़ना। मुझने वाला है मुझे तो क्या समझे मुझे मुझ आती तो वही बात है ना, मुझ आ रही है इसका मतलब ज्ञान की कमी है ना, ज्ञान का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, ज्ञान की कमी है माने ज्ञान दाता है उससे संपर्क नहीं है ना, इतना संबंध नहीं जुटा हुआ है जो हम अपनी कमी को दूर कर दे। भगवान आया है तो भी मुझे बने रहे बुझते रहे। कहते बाबा कि लाभ लोभ को जन्म देता है, लाभ लोभ को जन्म देता है, सत्य नई दुनिया में जाने का जो लाभ है लोभ को जन्म दे तो अच्छा है ना, वो लोभ अच्छा है जो सत्य का और तामसी की बात है ना, बाहर की दुनिया की बाबा ये तो धन की बात कर ये भी ज्ञान धन ये भी तो धन की बात है ना, आत्मा का धन है ज्ञान, दुनिया का जो धन है बाहरी धन है। आदि में जो वैष्णवी मां थी वैष्णवी वाली आत्मा तो उसको हम ब्रह्मा का ही बाबा आदि में आदि में पहला ब्राह्मण कौन है प्रजापिता, इससे पहला हुआ पहली ब्रह्मा, ब्रह्मा का बच्चा ही ब्राह्मण होता है तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा को कहेंगे, ब्रह्मा में ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्मा से ज्यादा ज्ञान तो सरस्वती को होता है। फिर प्रजापिता पहला ब्राह्मण है तो वो किसका बच्चा है, कौन से ब्रह्मा का बच्चा है, वो जो पहला ब्रह्मा गीता तो फिर जो वैष्णवी है वो तो ब्रह्मा नहीं कहेंगे, वो ज्ञान के आधार पर है, ब्रह्मा भी एक है या तरह तरह के हैं, जैसे अभी क्योंकि मुरली में तो यही डिफिनेशन दी है कि जिस तन में प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा, अब वो वैष्णव में तो देवी में प्रैक्टिकल में प्रवेश नहीं कर जाता, उसकी रग रग में ज्ञान समाया हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल में व्यक्ति के आधार पर उसकी रग रग में प्रैक्टिकल ज्ञान समाया हुआ है, यह सिर्फ बोल बोल का ज्ञान समाया हुआ प्रैक्टिकल भगवान ही समाया हुआ, सच्चाई प्रैक्टिकल में चाहिए या सिर्फ बोल बोल के लिए चाहिए सच्चाई, प्रैक्टिकल तो सत्य को ही भगवान कहा जाता है, भगवान को ऐसे पकड़ने की चीज है सो पकड़ लोगे, गॉड इज ट्रुथ सत्यम शिवम सुधरम। तो इस परिभाषा के अलावा कोई ऐसा इशारा नहीं होता कि ब्रह्मा का नाम तो तभी पड़ता है प्रियता के आधार पर, तो प्रवेश हो गया ना सच्चाई के आधार पर, प्रैक्टिकल जीवन है ना उसका, विष्णु है प्रैक्टिकल, ब्रह्मा है बोल बोल करने वाला, शंकर है मंथन करने वाला, तो बाबा इसलिए कि पवित्र कन्या है पवित्र तन है तो उसमें बाबा जैसे कहते हैं प्रवेश नहीं करता हूँ, प्रवेश नहीं करता हूँ लेकिन पवित्र के अंदर माल समा जाता है, ज्यादा ही कुछ समा जाता है, जो व्यक्ति है वो ज्ञान को ज्यादा खींचती है प्रैक्टिकल जीवन में, कि प्योर जो है वो ज्ञान को ज्यादा खींचता है प्रैक्टिकल जीवन में, प्योरिटी ज्यादा खींचती है उसे, कन्या में प्योरिटी होती है तो कन्या ज्ञान को ज्यादा खींच लेती है, कन्या माता क्यों चल रही है ज्ञान का ज्यादा कारण क्या है, इंदौर में भाई ज्यादा
इंदर पिंदर छोड़ा, इंदर पिंदर लगाए रहते एक जन्म के बाद जन्म जन्मांतर इंदर में पैदा होते रहे क्या? साकार में निराकार को याद नहीं करोगे तो कैरेक्टर्स बिगड़ेंगे। तो फिर बाबा ने कहा है कि बड़े रूप को याद कर, बड़े रूप को याद करोगे तो भी फायदा है, क्योंकि बड़ा रूप जो है उसका आखिरी अंजाम क्या है? बड़ा रूप जो है उसका भी आखिरी अंजाम क्या है? क्या है? अच्छा अंजाम है या बुरा अंजाम है? अच्छा अंजाम। तो हमारा भी अच्छा है, अभी अच्छा हो। अरे भगवान की तो चरण रज भी माथे से लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई करता है माथे में से अंगुली लगा के फिर माथे में लगा ले। तो नीचा जो सबसे नीची स्टेज है उसको भी पकड़ लिया तो भी कल्याण है। लेकिन सर्वोत्तम याद तो साकार के नाकार तो याद करना ही है। ठीक है, अगर मान लो कोई बूढ़ी माता है, 10-12 बच्चे पैदा कर लिए, सारी ताकत तो बुद्धि की निकल गई उधर, अब क्या करें? उनके लिए वो याद ठीक है, लेकिन जो उनके लिए वो याद ठीक है, माने वो बांधेली माताएं जो हैं और बूढ़ी माताएं जो हैं जिनको घर में बाहर ही नहीं, एक 80 साल की माता है कनाडा में, उसका पति अभी 80 साल अभी भी गुजर कर रहा है, निकल नहीं देता, कोई जान नहीं देता, अभी तक भट्टी नहीं कर पाई, सालों से चल रही है एडवांस में। अच्छा, ये बूढ़ी माताओं के लिए क्या करना? हम मैंने बुद्धि जिनकी ज्यादा काम नहीं करती है, बार बार बोलती है, हमें कोई पॉइंट याद नहीं होता, कोई पॉइंट याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, बाबा तो याद रहता है, ऐसा कोई नहीं कहेगा हमें बाबा याद नहीं रहता। कोई बूढ़ी माता को कहते सुना कि हमें बाबा याद नहीं रहता? कोई बांधेली माता को ऐसे कहते सुना हमें बाबा याद नहीं रहता? बाबा सबको याद, क्यों याद रहता है? साकार में जो बैठ गया वो खड़ा रहता है, वो याद रहता है। अच्छा, जो याद रहता है उसे ही याद करो ना, बड़े रूप में याद करो, वो भी अगर पूरा प्यार से याद करेंगे, कभी भी धोखेबाजी से नहीं कर, कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे, बफादारी से करेंगे तो भी प्राप्ति उतनी हो जाएगी। साकार से निराकार को याद करने वालों की बात, इसलिए भक्ति मार्ग कहते हैं सगुण या गुण नहीं कुछ भेदा उभय आ रहे भव संभव भेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। उद्धव और गोपियों का प्रसंग भी है, उद्धव और गोपियों का प्रसंग हाँ ये बहुत प्रचलित है। उद्धव जी का वो ज्ञानी थे, राधा को दिखाया है कि वो याद में थी, प्रेम करती थी, साकार को याद करती थी, तो साकार और निराकार का उनका जो टकराव हुआ है वहाँ पर उनको मनाने के लिए व्यक्ति उद्धव जी, कृष्ण जी ने भेजे थे कि जाओ आप ही चले जाओ, उनको समझा दो, समझ नहीं रही है वहाँ पे। कृष्ण ने बुद्धू बनाया ना उद्धव को, कन्वर्ट कर जाने, तो कन्वर्ट किया है या कन्वर्ट होकर क्या गए? तो फिर जब जीत साकार को याद कर, जो साकार को याद करते थे उनकी जीत थी, प्रेम जीत गया, प्रेम जीत गया ना, वो साकार से प्रेम जीत गया। टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा लग जाएगा तो नंबर पीछे रह जाएगा ना, साकार को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म थोड़ी बनेगी ना, लक्ष्मी का 2 नंबर हो जाता है, 1 नंबर हो जाता है, तो पीछे रह गए या आगे बढ़ गए? तो जब गुरु ही ऐसा है तो गुरु को जो फॉलो करेंगे, लक्ष्मी को फॉलो अगर उद्धव जी ने किया तो आगे बढ़ेंगे या पीछे ही हटेंगे? निराकार को याद करने वाले आगे जा सकते हैं।
तीव्र कामी होते हैं। सकर्म निराकार को याद करने वाले, हाँ वो जो यादगार बनी हुई वो हारने की बनती है उद्धव जी की, तो हार के उस समय पे वो हार गए ना वहाँ, तो और राधा जी जीत गए बोले कि प्रेम आगे है ज्ञान पीछे, ये दिखाया है। प्रेम से याद करो ना, मतलब ये है तुम्हारा प्रेम अगर निराकार बिंदी में भी जुटा हुआ है तो पता नहीं है ये 8 पॉइंट कब आए थे। 8 पॉइंट आए थे तब जिस रात में मोबाइल में सारे गीत ही भरवा दिए थे, वो गीत रात भर याद करते रहे। और जब से ज्ञान में आना हुआ तब से कुमार दादा ने पूछा कौन किस संबंध से शोभा हो गया करता, तो उस समय तो बेसिक में सब बिंदी को ही याद करते। हमने कह दिया आप तो पति साधन के रूप में याद करते, तो सब लोग हंसते थे लेकिन हमने अपनी सच्चाई बताई। तो वो 8 पॉइंट निकले ही तब है जिस रात सारा रात गीत ही सुनते रहे, अब बाबा को याद करते रहे। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आएगी, सवेरे को 8 पॉइंट आ गए पहले ही। तो प्यार पैदा हुआ तभी तो आ गए। नहीं क्या आया जो तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आ गई, तो उससे लगन और प्यार पैदा, तो बाबा के रूप में थोड़ा याद किया, बिंदी के रूप में याद किया, बिंदी के रूप में याद किया, लेकिन बिंदी को भी किस संबंध से याद किया, सजनी के रूप में, सजनी याद किया, तो सजनी के रूप में याद किया, तो सबसे ज्यादा प्यार कौन से संबंध में पैदा होता है, कौन सा संबंध ऐसा है सबसे ज्यादा प्यार पैदा करता है, सर्व सजनी का संबंध सबसे ज्यादा प्यार करता है, प्यार पैदा करता है। तो प्रेम जो है वो बड़ी चीज है। प्रेम रवि अभी साथी जाया दोनों समय है, सूरदास जी ने गीत गाया प्रेम जगत का साथ और साथ में कोई प्यार देहधारियों के प्रति करो तो नीचे गिरेंगे, कोई प्यार निराकार के प्रति करो किस गति से ऊंचे जाएंगे। Oh, okay.